तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Redmi Note 10 Pro के ऊपर एक ऐसे रोम के बारे में जो कि आपको MIUI 12.5 में रहकर MIUI 13 के कुछ फीचर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है MIUI VN ROM। आज की इस वीडियो में इसी रोम के ऊपर बात करने वाले काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे एक यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस रोम में, और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपको यहाँ पे MIUI 13 से आपको यहाँ पे इंस्पायर्ड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख ही पा रहे इस टाइम पर अपने Redmi Note 10 Pro के ऊपर MIUI VN ROM को इंस्टॉल करके रखा है, और कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अबाउट सेक्शन के बारे में। तो जैसे आप अबाउट फोन में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते 12.5, बीटा वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ऑल स्पेक्स पे अगर आप आते तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट आपको यहाँ पे 1 सितंबर का लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कर्नल वगैरह आपको यहाँ पे पर्फ का देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंटरफेस के बारे में, तो आपको जो MIUI का सिस्टम लॉन्चर है वो अभी आपको यहाँ पे अपडेटेड देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का लॉन्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। वॉलपेपर का ऑप्शन है सबसे पहले, जहाँ पे आपको सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट भी इस रोम में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसको यूज कर पाते हैं। बाकी विजेट का ऑप्शन है, और आपको यहाँ पे होम सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट इसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट से अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का नया सा आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अभी यहाँ पे मिनिमल देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से टाइल्स आपको देखने को मिल जाती है, अपडेटेड आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे 6 टाइल्स देखने को मिलती, साथ ही में आपको यहाँ पे मीडिया प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे नीचे की साइड जो है वो टाइल्स वगैरह नॉर्मल एज इट इज देखने को मिलेगी, ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की ग्रुपिंग है वो काफ़ी अच्छे से की गई है। यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट में अगर आप आते हैं, जैसे कि मैंने YouTube की जो नोटिफिकेशन है वो अनइम्पोर्टेंट में सेट करके रखी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे YouTube नोटिफिकेशन अलग से देखने को मिलेगी। जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, और हायर प्रायोरिटी वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में ही देखने को मिल जाती है। बाकी आपका जो डायलर है वो आपको यहाँ पे इस रोम में MIUI का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि आपको यहाँ पे गूगल का डायलर देखने को मिल जाता है आपके Note 10 Pro के ऊपर या फिर Note 10 Pro Max के ऊपर, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जो है वो इसको यूज नहीं कर पाते। और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको यहाँ पे MIUI के डायलर में देखने को मिल जाते, तो वो आपको यहाँ पे फिक्स हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे MIUI का डायलर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में मैसेजिंग ऐप भी आपको यहाँ पे MIUI का देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा आपको एज इट इज यहाँ पे Redmi Note 10 Pro का ही देखने को मिला है। सारे फीचर्स यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पे टैप व्यू में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। पोर्ट्रेट मोड वगैरह परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई इशू वैसे देखने को नहीं मिलेगा। 64 मेगापिक्सल या फिर मैक्स के लिए 108 मेगापिक्सल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बात करेंगे अभी यहाँ पे सेटिंग पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है एज इट इज MIUI जैसा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। AUD में आते हैं तो आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पे एक्सेस कर पाते, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। साथ ही में डिस्प्ले आइटम में आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा Redmi Note 10 Pro के ऊपर आपको यहाँ पे 10 सेकंड का लिमिट देखने को मिलता था, तो वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आपको यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस रोम में। बाकी आपको यहाँ पे सुपर वॉलपेपर वगैरह, आइकॉन पैक का ऑप्शन है, रिंगटोन का ऑप्शन है, इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और हाँ रिंगटोन में आपको जो नेचर साउंड्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में आएंगे तो वही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अगेन ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्लीप रेस्ट टू वेक वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आपको नोटिफिकेशन शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करेंगे तो डार्क मोड, लाइट मोड देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिफ्रेश रेट में। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करेंगे तो साउंड एडजस्ट कर सकते हैं, रिंगटोन सिलेक्ट कर सकते हैं,
और यहाँ पे साउंड इफेक्ट में आएंगे तो डॉल्बी का ऑप्शन भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैप्टिक फीडबैक को भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। बात करेंगे दोस्तों पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक में एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड फिंगरप्रिंट पेमेंट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे वाइड वन एलेवन को आप यहाँ पे पा सकते हैं। अगर आप किसी रीजन की वजह से अगर आपका वाइड वन एलेवन सर्टिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे लूज कर चुके तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप उस सर्टिफिकेशन को वापस से डाउनलोड यहाँ पे कर सकते। तो ये एक फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते। साथ ही में बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आएंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे आइकॉन देखने को मिले। ये आइकॉन आपको पहले देखने को नहीं मिलते थे लेफ्ट में, तो ये सब आइकॉन देखने को मिले। बाकी सारे ऑप्शन वही है, बस आपको यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि वर्चुअल रैम टाइप होता है, 4 GB एक्सटेंड कर देता है आपकी मेमोरी को। स्क्रीन टाइम मतलब कि डिजिटल वेलबींग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप आपकी डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ पे। स्पेशल फीचर में आपको यहाँ पे गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स दिखा देता हूँ गैलरी में जाके, लेकिन हाँ उससे पहले गैलरी आपको यहाँ पे अपडेटेड देखने को मिल जाती है। जहाँ पे रिकमेंडेड में आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन, कोलाज, क्लिप, वीडियो एडिटर, मैजिक, आईडिया आर्ट, वीडियो इफेक्ट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाइप करेंगे तो वीडियो टूल बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन, डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है, अपस्केल कर सकते हैं आप यहाँ पे इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को यहाँ पे। और जो फ्लोटिंग विंडो है अभी वो आपको यहाँ पे लेफ्ट में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे आप फ्लोटिंग विंडो को एक्सेस कर पाते हैं, यहाँ पे एप्स वगैरह ये सारे देखने को मिलेंगे आपको। गेम टर्बो दिखा जाता है आपको यहाँ पे जो कि कुछ इस तरीके देखने को मिल जाता है इन ऐप में। और यहाँ पे गेम टर्बो की जो सेटिंग्स है वो भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम टर्बो की जो सेटिंग्स है वो कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी रॉम आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे यूआई में लैग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सुपर वॉलपेपर यूज़ करते तो शायद आपको यहाँ पे लैग फेस कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक वॉलपेपर में कोई भी लैग वगैरह आप जैसे कि देख ही पा रहे कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता आपको। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो डिवाइस है वो आपको इस रोम पे सर्टिफाइड देखने को नहीं मिलेगा। इसी रोम पे नहीं, अगर आपका डिवाइस अनलॉक है मतलब कि आपकी डिवाइस का जो बूटलोडर है वो अनलॉक है, तो अगर आप यहाँ पे मी यूआई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डिवाइस आपका सर्टिफाइड नहीं रहेगा। इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से गूगल जो है वो बूटलोडर को ना अनलॉक करने के लिए फोर्स कर रहा है। सीटीएस प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ मैचिस में जाकर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अटेस्टेशन आपका यहाँ पे फेल आए, तो सीटीएस प्रोफाइल भी आपके यहाँ पे पास देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर इसका कोई ना कोई फिक्स आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पे इसको मैनेज करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सीपी थ्रॉटलिंग का जो ग्राफ है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी थ्रॉटलिंग का जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 87% तक सीपी ने थ्रॉटल करा है और कुछ इस तरीके की स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बेंचमार्क की बात करेंगे तो गीकबेंच 5 का जो स्कोर है वो देख सकते हैं सिंगल कोर पे 494, मल्टी कोर पे 1658, तो कुछ इस तरीके का स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों अभी यहाँ पे गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग मैंने इस रोम पे ट्राई करके देखी है, BGMI को खेल के देखा है, तो 60 FPS के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते, मतलब कि मॉड्यूल वगैरह यूज़ करते तो। अदरवाइज आपको यहाँ पे अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल जाते, और जो यहाँ पे बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है गेमिंग के टाइम पे भी, तो यहाँ पे वो भी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। डिस्प्ले कंट्रोल सेंटर में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एड 5th and 6th tile का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पे देख पा रहे हमारे इसमें यहाँ पे 6 tiles देखने को मिले, तो उसी की मदद से हम यहाँ पे 5th और 6th tile को ऐड कर पाते हैं। बाकी राउंडेड कॉर्नर वगैरह का ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्क रिलेटेड, तो इनको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते। स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस बार की जो स्टाइल है उसको हमने यहाँ पे चेंज करके रखा है। यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे तो कुछ इस तरीके का नॉर्मल से देखने को मिलेगा, स्टाइल वन कुछ इस तरीके का है। बाकी आपको यहाँ पे होम स्क्रीन रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगी, एडवांस रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन रिलेटेड स्टफ देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, चार्जिंग एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। बाय द वे आपको यहाँ पे MIUI 13 का चार्जिंग एनिमेशन इस रोम में देखने को मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह के रोम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, काफ़ी मतलब आपको यहाँ पे अच्छी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन, काफ़ी सारे फीचर्स और यहाँ पे MIUI 13 के कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस रोम में। तो हाँ अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे
अपकमिंग फीचर्स को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो जरूर से इस रॉम को एक बार ट्राई करके देखना। इंस्टॉलेशन की बात करेंगे दोस्तों तो आपको सिंपली यहाँ पे रॉम की फाइल को फ्लैश करना है, और यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे मैजिस को भी फ्लैश करना पड़ेगा रॉम को बूट करने से पहले, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे रॉम की फाइल को फ्लैश करेंगे उसके बाद ही आपने यहाँ पे मैजिस को फ्लैश करना है। अगर आप यहाँ पे रॉम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, रॉम को फ्लैश करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करेंगे, रिकवरी के ऊपर फिर से एक बार आप यहाँ पे बूट करेंगे और यहाँ पे मैजिस की जो फाइल है उसको यहाँ पे फ्लैश करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रॉम पे बूट करना। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।